और मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि मार्केट में ऐसा कोई भी फेस वॉश नहीं है जो इस फेस वॉश का मुकाबला कर पाए। चेहरे पे डलनेस आ चुकी है, स्किन का ग्लो चला गया है, चेहरे पे दाग धब्बे पिगमेंटेशन इस तरीके की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इस वीडियो के एंड तक आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का भी अंत होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्किन की उन प्रॉब्लम्स की, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी स्किन कलर पहले ज्यादा बेटर था लेकिन अब पहले से उनकी स्किन कलर डार्क हो चुका है, स्किन का टोन कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क इस तरीके का शेड उनके चेहरे पे आता है और ग्लो भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है उनके चेहरे का और दाग धब्बे पिगमेंटेशन इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में हम सबके पास टाइम ही नहीं है कि हम अपनी स्किन की सही केयर कर सके और अच्छे से अपनी स्किन की देखभाल कर सके। नतीजन हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, किसी भी तरीके का ग्लो नहीं रहता। उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, देखिए आपको किसी भी तरीके के कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको वही करना है जो आप सालों से करते आ रहे हैं, बस आपको गलत चीज को सही चीज से रिप्लेस करना है। देखिए जाने अनजाने से ही, लेकिन हम सालों से जिन फेस वॉश का यूज अपनी स्किन को साफ करने के लिए कर रहे हैं, न जाने उनमें कितने हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो उस टाइम पे तो हमारा चेहरा साफ कर देते हैं लेकिन उनमें जो केमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे हमारी स्किन को खराब करते हैं। वो एक तरीके से स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं हमारी स्किन के लिए। तो अगर हम थोड़ा सा भी केमिकल अपनी स्किन पे यूज करते हैं, अगर हम उस केमिकल को लगातार अपनी स्किन पे यूज करें, कम से कम अपनी स्किन पे उसे दो बार तो यूज करते ही हैं, देखिए उस टाइम पे तो हमारे चेहरे को साफ कर देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। तो हमें सिर्फ उस स्लो पॉइजन को हटा के उसकी जगह पे ऐसे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है जो हमारे स्किन का जो ग्लो खो चुका है उसको तो वापस लेके आए, साथ ही साथ हमारी स्किन को बहुत ज्यादा बेहतर बना दे। और मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि मार्केट में ऐसा कोई भी फेस वॉश नहीं है जो इस फेस वॉश का मुकाबला कर पाए। इसके इंग्रेडिएंट्स ही इतने कमाल के हैं कि हर उम्र का, हर एज ग्रुप के लोग इसे यूज कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप। और सबसे बड़ी बात, 100% नेचुरल, आपकी घर की ही सारी चीजों से मिलकर ये बना है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे 2-3 महीने के लिए बना के रखा है, तो मैंने इसकी क्वांटिटी 2-2 स्पून मैंने सारी चीजें रखी है। अगर आपको कम बनाना है तो आप 1-1 स्पून सारी चीजें रखेंगे, बराबर बराबर मात्रा में सारी चीजों को रखना है। और अगर ज्यादा बनाना है तो आप 3-3 स्पून भी सारी चीजों को रख सकते हैं, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं जितना भी आपको बनाना होगा। देखिए स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मुझे आज थोड़ा सा जुकाम बुखार है तो आवाज थोड़ी अजीब आ सकती है, तो प्लीज उसे अवॉइड कीजिएगा। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है 2 स्पून चावल। चावल में होती है स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज जो डीप नरिश करती है आपकी स्किन को, और साथ ही साथ आपकी स्किन पे जितने भी ब्लेमिश जितने भी दाग धब्बे हैं उनको रिमूव करने में चावल बहुत ज्यादा कारगर है। 2 स्पून ही हम इसमें यूज करेंगे शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यही शुगर आप यूज कर सकते हैं। शुगर में होती है वो सारी प्रॉपर्टीज जो हमारी स्किन को ग्लो तो देता ही है, साथ साथ हमारी स्किन पे जितनी भी डेड लेयर है उसको रिमूव करके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे मसूर दाल, जो हमारी स्किन को बेदाग तो बनाता ही है, साथ ही साथ में आपकी स्किन पे जितनी भी पिगमेंटेशन दाग धब्बे उनको रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट हम लेंगे सफेद तिल, जिसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, यह आपकी स्किन की डीपर लेयर में जाके उसको नरिश करता है, साथ ही साथ अगर आपको सन टैन हो गया तो ये उसे भी रिमूव करेगा। फिफ्थ इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे इसमें ऑरेंज पील पाउडर, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन को लाइट करने के साथ साथ जितने भी दाग धब्बे निशान पिगमेंटेशन स्किन का कलर पहले से डल हो चुका है उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल रामबाण की तरह काम करता है। सिक्स्थ इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है हमारे अलसी के बीज, जो अपने आप में गुणों का भंडार होता है। इसमें एंटी एजिंग एलिमेंट्स होते हैं जो एजिंग प्रोसेस को स्लो करके स्किन पे फाइन लाइंस रिंकल इस तरीके की प्रॉब्लम को कम करता है, साथ ही साथ स्किन को जमा रखने में मदद करता है। नंबर 7 हम इसमें 2 स्पून बेसन ऐड करेंगे। बिना बेसन के कोई भी रेमेडी बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि ये स्किन को डीप क्लींस तो करती है साथ ही साथ छोटे बड़े जितनी भी स्किन के प्रॉब्लम्स होती है उन सबको ठीक करने के लिए बेसन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। 8th इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है बादाम। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 19 से 20 बादाम लीजिएगा, अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 12 से 13 बादाम की कलियां ही चलेगी। बादाम में होता है भरपूर मात्रा में विटामिन ई, जो अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन पे डलनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बहुत जल्दी रिपेयर कर लेता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी अपने आप में ही इतनी गुणकारी होती है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ज्यादा कम है। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ रोज पेटल, जिसमें होता है विटामिन बी सी और के, जो हमारी स्किन से डेड लेयर को निकाल के पिंकिश टोन देने में हमारी हेल्प करता है। अगर इन सारे इंग्रेडिएंट्स में से कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके पास नहीं है, घर में अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इन सबको आप ऐड कीजिए।
सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्सी में बहुत अच्छे तरीके से बहुत एकदम फाइन पाउडर हमें तैयार करना है। उसके बाद आप इसे, जब आपका ये पाउडर बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाए, हमारे घर में आटे की जो छलनी होती है या फिर जो भी और भी अगर आपके पास घर में कोई बारीक छलनी है तो आप उससे इसे छान लीजिए। अच्छे से छानने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। कम से कम आपका ये 2-3 महीने तक खराब नहीं होगा, उससे लंबे टाइम तक भी ये खराब नहीं होता। तो आप चाहो तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हो या फिर आप इसे बाहर भी रख सकते हो। अब बात आती है इसे यूज कैसे करना है। देखिए, जैसे मर्जी वैसे यूज करिए। गुलाब जल में यूज करना है, गुलाब जल में यूज करिए। एलोवेरा में करना है, एलोवेरा में यूज कर लीजिए। हनी में आप इसे यूज कर सकते हैं, दूध में आप इसे यूज कर सकते हैं, दही में भी यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज में आप इसे यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी स्किन को सूट करता है आप उसमें इसे यूज कर सकते हैं। 2 टाइम आपको कम से कम इसे यूज करना है, सुबह और शाम। यूज करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो भी आपको सूट करता है, चाहे वो एलोवेरा जेल है, गुलाब जेल है, हनी है, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, आप इसमें इसको थोड़ा सा लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और पैक की तरह इसे लगाइए। 2-3 मिनट तक इसे अपनी स्किन पे लगा रहने दें। उसके बाद जब आप अपने फेस वॉश करोगे, चेहरे को धोगे 2-3 मिनट बाद, चेहरे के हल्के से मसाज कीजिए, उसके बाद सादे पानी से चेहरे को धो लीजिए। फर्स्ट वॉश से ही आपको अपनी स्किन पे फर्क नजर आने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, आपने बहुत बेहतर चीज यूज की है, मतलब मार्केट वाले फेस वॉश से बहुत ज्यादा बेहतर आपने अपनी स्किन को साफ करने के लिए कोई चीज यूज करिए। और जब आप इसे कम से कम 1 हफ्ते तक आप इसे यूज कर लेंगे, आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी स्किन पहले से कितना ज्यादा बेहतर हो चुकी है। आपको लगेगा कि हाँ, आप अपनी स्किन में कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतर चीज आप अपनी स्किन केयर के लिए ऐड कर चुके हैं। उसमें अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन हो या आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर किसी का रिप्लाई करती हूँ। लास्ट में अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।